सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे। लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ कंपैरिजन बिटवीन बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क। हम दो जॉब्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। हमेशा हम जो कंपैरिजन करते थे वो सेम लेवल जॉब्स की करते थे, बट आज जो कंपैरिजन होने वाला है वो दो डिफरेंट लेवल की जॉब्स के बीच में होने वाला है। क्योंकि ये कंपैरिजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक जो दौर आ रहा है वो ऐसा दौर है जो बैंकिंग के लिए सबसे ज्यादा डायनामिक है। बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से बैंकिंग में जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत तेजी से बदल रही है। तो हम ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि हमें क्या करना चाहिए आगे जाके, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या आने वाला है, किस तरीके से जॉब्स चेंज होने वाली है। तो इसलिए ये वाला जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप जाने वाले हैं आगे जाके, उसमें आगे और क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आप उस जॉब को अगले 40 साल तक, अगर नहीं 30 साल तक, कम से कम 30 साल तक आप उस जॉब को कर सकते हैं या नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो आइए बात करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे बात करेंगे। डिसाइड आपको करना है क्योंकि आपकी लाइफ है, तो डिसीजन आपका होना चाहिए। जिंदगी के दो डिसीजन हमेशा खुद से लेना, एक तो कौन से करियर को चूज करना है क्योंकि उसमें आपको अपने 30 साल मिनिमम 30 साल आपको उसमें देने हैं, और कौन से लाइफ पार्टनर को चूज करना है क्योंकि उसके साथ आपको पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो ये दो डिसीजन आपको खुद लेने हैं। मैं आपको सिर्फ पैरामीटर्स बताऊंगी, आपको समझना है कि कौन सी जॉब मुझे सूट करेगी, मेरी पर्सनालिटी को सूट करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है आपका वर्क प्रोफाइल पे। इसमें आपका वर्कलोड, वर्क प्रेशर और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तीनों चीजें कवर हो जाती हैं। तो मैं आपको तीनों चीजों के बारे में बताऊंगी कि किस जॉब पे आपको क्या काम करना रहता है। बेसिकली क्लेरिकल जॉब से स्टार्ट करते हैं। ये क्लेरिकल को क्या काम करना रहता है, उसको करनी होती है सारी एंट्रीज। कोई भी चेक आता है तो आपकी चेक की एंट्री वो करेगा, ठीक है। कोई भी आरटीजीएस आता है, NEFT आता है, कोई FD बनाने आता है, या कोई सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाने आता है, कुछ भी चीज जो एंट्री वाला काम होगा, मतलब जो फर्स्ट काम रहेगा वो आपके क्लेरिकल का होगा। इसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है, मतलब जो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल वर्क कर रहे हो, जैसे आप कोई चेक कर रहे हो, तो इसमें आपकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है वो है 40-60 के रेशियो में, मतलब 40% लायबिलिटी बनेगी क्लेरिकल स्टाफ की और 60% लायबिलिटी बनेगी आपके ऑफिसर स्टाफ की। क्योंकि इसमें मतलब कुछ भी अगर ऐसा हुआ कि क्लेरिकल ने किसी और अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, किसी और को करना था, किसी और को कर दिया, और ऑफिसर ने उसे बिना देखे पास कर दिया, तो जो भी लायबिलिटी बनेगी, जितना भी पैसा देना होगा पार्टी को, वो होगा 40-60 के रेशियो में, मतलब 40% क्लेरिकल स्टाफ को देना होगा और 60% आपको ऑफिसर स्टाफ को देना होगा। ये रहती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होती है आपकी लायबिलिटी। अब आपका और क्या काम रहता है ऑफिसर का, तो ऑफिसर का काम रहता है सिर्फ वेरीफाई करने का। आपको सारी चीजें वेरीफाई करनी है कि जो भी चीजें क्लेरिकल स्टाफ ने एडिट की हैं, जो भी एंट्रीज की हैं, वो सही हैं या नहीं है। अगर आपने उसे बिना देखे या अच्छे से नहीं वेरीफाई किया तो इसमें आपकी लायबिलिटी, आपको पता है, 60% की आ जाती है। और बेसिकली अगर आपको सुनना भी पड़ेगा तो आपको सुनना होगा, क्लेरिकल स्टाफ को कोई कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो इसमें लायबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, इसलिए सैलरी भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपकी ऑफिसर्स को, ना कि क्लेरिकल स्टाफ को, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सब पूछते रहते हैं, दीदी आपकी टाइमिंग क्या है, मैम आपकी टाइमिंग क्या है, आप कितने बजे घर आ जाते हो। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं आपकी ऑफिशियल टाइमिंग्स की, आपके वर्किंग आवर्स की, कितने टाइम तक आपको बैंक में रहना रहेगा। क्लेरिकल स्टाफ की टाइमिंग होती है, टाइमिंग है अगर 10 बजे बैंक खुलता है तो 10 बजे से 4 बजे तक, सॉरी 5 बजे तक, 10 to 5 की जॉब रहती है। और अगर आपका जो बैंक है वो 11 बजे खुलता है तो 11 से 6 बजे तक की क्लेरिकल स्टाफ की वर्किंग आवर्स रहते हैं। ऑफिसर्स की कोई वर्किंग आवर्स लिमिट नहीं है, आपको 9 बजे तक काम कराया जा सकता है, 10 बजे तक, 11 बजे तक, इवन कई सारे लोग 12-12 बजे तक भी काम करते हैं। वो भी ऐसे रोज काम नहीं होता है, किसी दिन हो गया कि बहुत ज्यादा काम आ गया, या फिर ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, मार्च एंड हो रहा है, ऑडिट वगैरह है, तो इन सारे केसेस में आपका टाइमिंग जो है ज्यादा हो सकता है। बाकी यूजुअली 7-8 बजे तक ऑफिसर्स फ्री हो जाते हैं।
तो ये तो आपका हो गया ऑफिशियल टाइमिंग्स की। अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस और ट्रांसफर्स के बारे में। तो प्रमोशंस का अगर देखा जाए, अगर एक क्लेरिकल स्टाफ कभी प्रमोशन नहीं लेता है तो मैक्सिमम 5 to 6 years, वैरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, 5 to 6 years वो एक ही ब्रांच में काम कर सकता है अगर वो कभी प्रमोशन नहीं लेता। प्रमोशन लेता है तो फिर तो ट्रांसफर्स होना मतलब होंगे ही ऑब्वियसली। आप प्रमोशन ले सकते हो क्लेरिकल स्टाफ 3 साल मिनिमम आपको देने होंगे। 3 साल बाद जो आपका एग्जाम रहेगा वो देना होगा, रिटन एग्जाम, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। वो अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप बन जाते हो ऑफिसर, ठीक है। और ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कभी भी अपनी पूरी लाइफ टाइम क्लेरिकल जॉब में ही रहते हैं, कभी प्रमोशन नहीं लेते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज रहती है, तो उस पर डिपेंड करता है। और जो आपका प्रमोशन की पॉलिसी रहेगी आपके पीओस के लिए, असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए, तो बेसिकली किसी किसी बैंक में 2 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो, किसी में 3 साल में एलिजिबल होते हो। 2 से 3 साल आपको लगते हैं प्रमोशन लेने के लिए। अगेन आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना होगा, फिर इंटरव्यू होगा आपका। इस तरीके से आप स्केल 2 बन जाते हो। तो ये होते हैं। और ट्रांसफर्स में देखा जाए तो ट्रांसफर्स आपको हो सकता है क्लेरिकल, अगर आप क्लेरिकल में रहते हो तो आपका ट्रांसफर विद इन स्टेट होता है, कभी भी आपको स्टेट के बाहर नहीं भेजते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिसर हो तो आपको स्टेट के बाहर भी फेंका जा सकता है, ठीक है। जम्मू से आपको कन्याकुमारी भी पहुंचाया जा सकता है, कोई उसमें गलत बात नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब आए थे तो आपसे सिग्नेचर लिया गया था एक फॉर्म में कि यू आर रेडी टू वर्क इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको कहीं भी भेजेंगे, आप मना नहीं करोगे, ओके। तो ये हो गया आपका प्रमोशंस और ट्रांसफर्स के केस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी वाला पोर्शन। सैलरी वाला पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी अलग हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो इतनी अलग हैं, तो आपकी सैलरी भी बहुत ज्यादा डिफर करेगी। तो क्लेरिकल स्टाफ की ग्रॉस सैलरी जो ऑन ज्वाइनिंग मिलती है वो है 34 से 35 हजार, 34 से 35 थाउजेंड आप इन ग्रॉस आप लेते हो। और जो ऑफिसर लेवल में आप कमाते हैं वो है 64,000 to 65,000 ऑन जॉइनिंग। अभी डीए वगैरह भी इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी आपका इन हैंड 60,000 लगभग बनता है, 55 से 60 हजार। और जो क्लेरिकल स्टाफ की वो 25 से 30 हजार आपकी इन हैंड बनती है। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। अब आपको सोचना है कि आप सैलरी, कम सैलरी में अगर अपना लाइफ का गुजारा कर सकते हो, अगर आपके पास कोई साइड इनकम है तो आप गो फॉर क्लर्क, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो तो नहीं कहूंगी बट हाँ बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप बहुत जल्दी फ्री भी हो जाते हो एंड यू हैव टाइम फॉर सम अदर थिंग्स। और अगर आप चाहते हो कि लाइफ में थोड़ा रुतबा होना चाहिए, थोड़ा सा यू नो पैसा कमाना है, ऐश करनी है, क्योंकि देखो ऑफिसर लेवल में अगर आप जाते हो और प्रमोशंस लेते रहते हो तो सैलरी का कोई बात नहीं है। बैंक में बहुत अच्छी सैलरीज हैं, 1 लाख, 1.5 लाख आप इजिली जनरेट कर सकते हो जैसे जैसे आप लैडर को क्रॉस करोगे। बट द थिंग इज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी, आपको काम करना होगा, ज्यादा काम करना होगा, ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, लेट सिटिंग्स हो सकती हैं, आपका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि आज मैं 6 बजे निकल जाऊंगी तो हो जाएगा, नहीं। अगर काम आ गया तो आपको बैठना पड़ेगा। और आपको टारगेट्स, प्रेशर, ये सारी चीजें सिर्फ ऑफिसर्स के लिए रहती हैं, क्लेरिकल स्टाफ के लिए कोई टारगेट नहीं रहता है। अगर वो अगर आपका ऑफिसर आपको टारगेट देता है, आप क्लेरिकल हो, आप करो या ना करो, अगर नहीं करोगे तो यू आर नॉट लायबल। लेकिन जो ऑफिसर स्टाफ होता है उसको वो लायबल होता है, उसको आंसरेबल होता है, उसको बताना पड़ता है कि आज मैंने इतना इतना काम किया है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, माइन्यूट मैंने आपको बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और जिस भी जॉब के लिए आप, जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हो सिर्फ उसी की तैयारी करो। देखो अगर आप क्लेरिकल में जाना चाहते हो तो फिर ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिंदगी भर पछताने का कोई मतलब नहीं है। आपको ये सोचना है कि मुझे क्या चीज सूट करेगी मुझे, क्योंकि 60 साल की उम्र तक काम करना है बैंक में, तो मुझे क्या सूट करेगा, इस हिसाब से आप अपना सोचो, अपना पूरा विचार बनाओ और फिर उस की तैयारी में बिल्कुल जुट जाओ। और बाकी बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या आपको तैयारी करते वक्त प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगी अपकमिंग वीडियोस में। और बाकी अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और भी अच्छे वीडियोस आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ और अपना प्यार देते रहो लाइक सब कमेंट्स करते करके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।